उन लोगों को सिटीजनशिप दें, क्योंकि अपने खुद के लोग उनके बहुत ज्यादा हैं, तो अब और लोगों को ले जाके वो किस तरह से मैनेज करेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज भी हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम बात करेंगे आप सबके जाने पहचाने तारिक फतेह साहब से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले दो चार न्यूज है जिसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा गाइड करें, बताएं कि हो क्या रहा है। पहली न्यूज तो ये कि एक न्यूज आई है इंडिया की तरफ से कि उनको जो है सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, जिसमें के 70% एप्लीकेशन पाकिस्तानी की हैं, तो वो जाहिर है माइनॉरिटी के लोग होंगे। तो क्या इम्प्रेशन जा रहा है दुनिया में, और आपको लगता है कि भारत को इस तरह करना चाहिए कि उन लोगों को सिटीजनशिप दें, क्योंकि अपने खुद के लोग उनके बहुत ज्यादा हैं, तो अब और लोगों को ले जाके वो किस तरह से मैनेज करेंगे? नहीं, उनका तो कानून है जिसमें जिसके तहत कोई भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, और पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे माइनॉरिटीज़ के भी हैं जो तंग आए हुए होंगे, लेकिन फिर हिंदुस्तान को देखना होगा कि उसमें से ISI के कितने लोग हैं जो मुस्तकिल हिंदुस्तान के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप पूरा तवक्को करें कि इसके अंदर कुछ गंदपना होगा, जिसके अंदर अगर 100 लोग जा रहे हैं मियां मिट्ठू के की सफ़र करने से, तो उसके अंदर 10-12 ये भी चले जाएंगे और मातम करते हुए जाएंगे कि साहब बड़ी हमारे साथ दुहाई है, दुहाई है, मर गए पाकिस्तानी बड़े ही हैं, बस जाएंगे वहाँ पे। तो वैसे कम नहीं है जो पहले ही मौजूद है हिंदुस्तान में पाकिस्तानी, ये और चले जाएंगे। लेकिन सर ये बात तो सर एक दूसरे पे शक तो रहते ही, क्योंकि जब सामान भेजने की बात हो रही थी अफगानिस्तान को, तब भी ये कहा जा रहा था कि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा कि पता नहीं वो ट्रक में किसको भेज दें, और हिंदुस्तान इसलिए नहीं भेज रहा कि ऐसा ना हो कि कुछ बोरियां यहाँ पे कोई रख ले, तो ये बात तो चल रही थी। ट्रस्ट कहाँ से आएगा, आपने उनके मुल्क का चोरी कर लिया, सब कुछ मुल्क अलग बना दिया, बाजू काट दिए उनके, उसके बाद कह रहे हैं ट्रस्ट नहीं कर रहे। क्यों इंडिया ट्रस्ट करेगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान का क्या ले लिया इंडिया ने जो पाकिस्तान को कोई मसला हो? इतने फालतू लोग हैं पाकिस्तान में कि जब चाहें जिधर चाहें हमला करा देते हैं। सारी टेररिज्म जो पाकिस्तान से आती, कोई इंडिया से तो नहीं कुछ आ रहा 9/11 करने, या खालिद शेख मोहम्मद इंडिया तो नहीं है, ना बिन लादेन है, आप ही जाते हैं, हमारे यहीं से जा रहे हैं ना पाकिस्तान से जियारे मुंबई पे या लोकसभा पे हमला करने, या जो आजकल जम्मू कश्मीर में शरारत हो रही है इसका सबको पता है, बांग्लादेश को पता है, वो 50 साल की आजादी मना रहे हैं आजकल, जान छूटी उनकी पाकिस्तान से। वो तो सर बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल उन्होंने तो सेट किए कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे OIC की एक आपको जानते हैं कि मीटिंग हुई और उसमें सब आए, सब तो नहीं, खैर कुछ आए और कुछ नहीं आए, किस तरह देखते हैं आप उसको कि कोई फायदा हुआ है? नहीं भाई, ये चाहते हैं कि पैसा इनके पास आए और फिर इनके थ्रू जाए, वरना पाकिस्तान की लीडरशिप को अफगानिस्तान से क्या रहम हो गया? ये तो ये पाकिस्तानियों के झूठ जो है वो हर लेवल पे एक्सपोज है, कोई इनको ट्रस्ट नहीं करता है। वो कहते हैं इस्लाम के नाम पे आ गए तो चलो ठीक है, आगे क्या कर लिया उन्होंने? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या OIC के सामने अफगानिस्तान का है? पाकिस्तान अपना जो मसला है वो तो कभी उठा नहीं सकता, उसमें पता है कि इतने जूते पड़ेंगे सब ठीक हो जाएंगे। इंडिया चाबहार में अपना हाईवे बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, वहां से स्ट्रेट ईरान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर होगा। तो जिन लोगों ने काम करना होता है अफगानिस्तान के लिए, वो ये थोड़ी करते हैं कि तालिबान को ट्रेन करके भेज दें, वहां तबाही मचा दें, अजाब आ जाए उन पे, और फिर कॉन्फ्रेंस करें कि क्या करना चाहिए, हमसे गलती से आग लग गई अफगानिस्तान में, और ये बेचारे आए थे, हमने उनको ट्रेन किया, वो देखे हमारी भी नहीं सुनते। तो दिस इज ऑल शोमैनशिप। ये
देखिए ना, कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को, ना पाकिस्तानियों को करता है, ना पाकिस्तानी ट्रस्ट करते इनको। आपने फ्रंटियर के इलेक्शन में देख लिया क्या हुआ हशर, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। बताएं, पीपल आर फेड अप इन मल्टीपल वेज। ये कोई स्टेट है ही नहीं ना, ये इसके इससे कोई तवक्को किया ही नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा, अब कोई कह रहा है इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसको बना दो। ये ऐसे लिखते हैं जैसे हमारे जो तरक्की पसंद लिखने वाले भी हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, आप देखिए कि वो इस तरह नोट करते हैं जैसे कुछ शहजादों की बातें हो रही कि भाई दारा शिकोह को बना दो इस दफा, औरंगजेब तो छोटा वादा है इसका। दे लिटरली टॉक, हाँ हाँ वो अपने नवाज शरीफ के भाई को बना दो लीडर। इट्स बियॉन्ड बिलीव कि एवरीवन ऑन बोथ साइड्स इज इन अ ट्राइबल सेंस। वो इस दुनिया में है ही नहीं कि इलेक्शन होना चाहिए तो कौन कैसे जीतेगा तो क्या होगा। सैंक्टिटी ऑफ वोट पे थोड़ी इंसिस्टेंस है। लंदन वाले फलाने साहब के पैनामा पेपर तो ये वो इसी गपशप के अंदर बेवकूफी की बातों में लगे में। तो ओआईसी वाले थोड़ी बैठे हैं कि पैसे आपको दे देंगे आप वो कर लें और आप रुपये में कन्वर्ट करके उसको आगे भाजी और रोटी भेज दें अफगानिस्तान में। नहीं, किसी ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। एक दो कंट्रीज ने, वो भी बहुत मामूली सा, सऊदी अरब वगैरह का। बल्कि सऊदी अरब से मुझे याद आया कि आजकल ये बात भी कर रहे हैं पंजाब असेंबली में कि जी वो जो सऊदी अरब ने कहा है कि तबलीगी जमात पे पाबंदी लगेगी, तो इन्होंने कोई करारदार पास की है सऊदी अरब के खिलाफ, तो कैसे ही कर सकते हैं। पंजाब असेंबली ने किया जी, तो इनका ख्याल है कि पंजाबियों को क्या हो गया फिर, क्या अकल आ गई क्या? ये तो ये क्या करेंगे सर, उन्होंने जो पैसे दिए सऊदी अरब के, क्या वो वापस कर देंगे उनको कि भाई तुम तो तबलीगी जमात? सऊदी अरेबिया डजंट केयर, डजंट बॉदर, उनका रुख कहीं और है। आप थोड़ी के आप अपने घर का इंप्रूवमेंट करना चाहें तो भाई पड़ोसी वालों के कचरा अब भी फेंका जा रहा है बाहर, तो दीवार खड़ी कर देंगे, उन्हें खुश भगाओ इनको यहाँ से साथ एक्सपेल करो। आपकी इज्जत नहीं है, आपके कोई से नहीं है, इज नथिंग। आपके फौजी जनरल कराए के पिट्टू सारे इधर बैठा है उधर बैठा है, दुनिया में कहीं ये होता है? कोई पैनामा पेपर में, कोई पिरामिड पेपर में लगा हुआ है, यू नो द इट इज अ डिसग्रेस। जो आपकी किसी टाइप की भी पोलिटिकल क्लास हो, क्यों हो कि जरदारी का बेटा जरदारी को संभालेगा, मतलब ये कि ये कैसी किस टाइप की किस दौर की बात कर रहे हैं? You know, one has to have some sense of democracy or trust in people कि वो बात करें। नहीं, हर एक महाराजा और राजा उसी में फंसे हुए अभी तक। इसमें क्रेडिट सिर्फ अल्ताफ हुसैन को जाता है कि उनका बेटा बेटा कोई नहीं आया है सामने। है नहीं, अगर होता तो शायद ले आते वो भी। हाँ, वो ले आते। नहीं, उनकी जमात में रिश्तेदारी वगैरह नहीं है इतनी, कहीं किसी का भी कोई रिश्तेदार नहीं चल रहा। अच्छा, जब ही वरना तो शायद मुझे लगा शायद है नहीं, इस वजह से नहीं आया। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और, इमरान खान साहब ने कही कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट ना होती और कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद वो बातचीत कर सकते, लेकिन वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो RSS के अंडर ना हो और फिर वो कश्मीर की या किसी चीज की पाकिस्तान की बात करें। क्या जहालत की बातें करते हैं इनको, मैं जहाँ वापस जाओ जलंधर आपको छींक छाक के आओ अपनी खाला और अम्मा से। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव गांव के अंदर जाके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वोटिंग इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शन। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेकर को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा गवर्नमेंट जीतती है हारती है। आप कि औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं आप, जलंधर के बनते हैं आप, नियाजी पठान हैं, लोग समझते हैं हाँ हाँ उनका वो पश्तून है ना इसलिए उसका बैकग्राउंड। अरे कहीं का नहीं पश्तून, कहीं का कुछ नहीं है, जाली, हर चीज जाली है। लेकिन सर फिर फ्यूचर क्या है, क्योंकि तो सभी एक जैसे निकले, सब एक ही तरह की बात करें। बल्कि अभी रिसेंटली जरदारी साहब ने कहा कि पहले इसको हटाओ फिर हमसे बात करो, सब उनके पीछे पड़ गए कि किसने ऑफर किया है, नाम बताओ बताएंगे।
ये दिस इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ फ्यूडल सॉर्ट ऑफ अ ट्राइबल सोसाइटी. आपकी औकात ही नहीं कि आपको जमहूरियत मिले, आपको हकूक मिले, जब आप के यू नो यू आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड विद एनीथिंग. सिविल सोसाइटी में भी लोग एनजीओ के अंदर क्यों जाना चाहते हैं कि तनख्वाहें अच्छी मिलती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को. फिर वो सियासी पार्टियों में नहीं है लोग, वो एनजीओ चला रहे. ना कोई लेफ्ट है, ना राइट है, ना कोई इकोनॉमी पे कोई किसी का पर्चा, ना कोई पेपर आया सामने, ना मैनिफेस्टो है. देयर इज नथिंग. ये खुद ही उधड़ के मर जाएगा कि छिछड़े विछड़े इधर उधर हो जाएंगे और बिखर जाएगा. सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा. आप ये कैसे कर सकते हैं आप कि तालिबान आपकी पिटाई कर दें, आप ही ने उनको खिला पिला के कब बॉर्डर पे जाके उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर दी. किधर आ रहे हो? उन्होंने कहा बाड़ मत लगाएं, वो कह रहे बाड़ मत लगाएं. बल्कि आज एक न्यूज ये भी थी कि मोहम्मद एजेंसी जो है वहां तक वो पहुंच गए और उन्होंने कहा ये हमारा हिस्सा है और निकलो इधर से. हाँ, तो वो नहीं है ना, ये सारा इलाका तो अफगान का है. ये जो डब्स पाकिस्तान है, ये पंजाब अफगानिस्तान ये सब में आता है ना. तो इधर लो या उधर लो, ये तुम्हारा ताल्लुक क्या है मोमन से? कल परसों हमारे घर वो आए हुए थे सुजई साहब, जो पीटीएम के बानी थे एंड देन ही टुक रेफ्यूज इन कनाडा. तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग. कोई 5-6 पंजाबी और 5-6 पश्तून आपस में. मेरा ख्याल है पहली दफा मैंने ऐसी मजलिस देखी. बट इट वाज अस्टाउंडिंग के दिस मैन वाज इज सो केपेबल. ही टॉप द सिविल सर्विस, वाज ऑफर्ड द टॉप जॉब्स, बट हैड टू एस्केप एंड टेक रेफ्यूज इन क्वेबेक जहां रहते हैं. What a brilliant man, what an exceptional person that Pakistan would lose. But nobody would consider him anything. ये तो पश्तून है, ये कहाँ से, किसने पकड़ लिया उसको? शायद आप जानती हो रशीद यूसुफजई को, राशिद यूसुफजई, रशीद यूसुफजई. Absolute brilliant person. आप उसके साथ बैठे, you'll be stunned. के religious scholarship में, philosophy में, economics में, you know, this is the highest scoring man in Pakistan civil service, and the man had to leave Pakistan just because he couldn't survive over there. PTM ke bani hain shayad. To ab jab logon ko tang aa jaye log, phir us mulk mein thodi rehne ke jee chahta hai, jisko wo samajhte hain ki yahan hamari zindagi khatre mein, na baat kar sakte hain, na kuch keh sakte hain. बस कोई लेकिन सर बलूचिस्तान के लिए मुझे एक मेरे इंडियन दोस्त हैं, वो कह रहे थे बलूचिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि उनका बॉर्डर कहीं से इंडिया से या किसी से लगता नहीं, तो कोई सपोर्ट नहीं है उन लोगों को. ये इंडियन लोगों से बोल दिया करें कि भैया आप अपना माइंड योर ओन बिजनेस, आपसे कभी कुछ नहीं हुआ. हाँ, ये छोड़ दें बात, आपके तो बम्बई पे अटैक करके चले गए, आप बस कागज मांगते रह गए. कौन सा क्या कर लिया उन्होंने? वो भी मुक्ति वाहिनी नहीं लड़ते तो ये थोड़ी आते. पाकिस्तान ने जब अटैक किया इंडिया पे, तो तब इंडिया ने जंग का ऐलान किया ना, December 3rd. इट वाज पाकिस्तान हु अटैक्ड इंडिया. पहले भी ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था 65 में की वॉर में, वो पाकिस्तान ने शुरू किया था. पूरी फौज भेज दी जम्मू कश्मीर में कि ये सिविलियन है, एंड दे वर कॉट फ्लैट फुटेड. बट वो अपने इंडियन दोस्त से कह दीजिएगा कि हमें तवक्को भी नहीं है आपसे कुछ मिलने की. लेकिन सर आपका शहर जो है, जो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा भी है कराची, जो बिजनेस सिटी है, वहां पे जी कहा गया कि हम केक के ऊपर मैरी क्रिसमस नहीं लिखेंगे. हाँ, और उसके ऊपर एक तमाशा सर, पहले तो ऐसा नहीं था कराची, वहां तो पहले नहीं था. देखिए, इस पे एक लानत की शक्ल होनी चाहिए हर केक पे, और हर कराची वाले को वो दिखानी चाहिए. ये आके बैठ के हमें बताएंगे कि कराची शहर क्या था. हमारे माँ बाप, दादा दादी सब आके एक दुनिया के सबसे खूबसूरत अच्छे शहर पे थूक के चले गए, उसको तबाह कर दिया, वहाँ का कोई रहने वाला नहीं बचा वहाँ. अब आके बता रहे मेरी क्रिसमस नहीं कहेंगे. अबे तुम जब आए थे पाकिस्तान तो मेरी क्रिसमस कहने वाले यहाँ के लोग थे, ज़ोरास्ट्रियन थे या क्रिश्चियन थे, गोन थे, हर किस्म का ईसाई यहाँ रहता था, यहूदी भी रहते थे, यहूदी कब्रिस्तान भी था.
सबको बना दिया बस इस्लामाबाद, हर शहर का नाम इस्लामाबाद कर दे मेरा ख्याल है। नहीं सर, इस्लामाबाद में ऐसा नहीं हो रहा सर। इस्लामाबाद में तो देखे ना, मैंने तो क्रिसमस ट्री भी लगा रखा है, इस्लामाबाद में तो केक सब मिल रहा है। हाँ, इस्लामाबाद में तो आपको गोरे के साथ वो करना पड़ता है ना कि यू शुड अंडरस्टैंड वी आर वेरी मल्टीकल्चरल एंड वी हैव वेरी ओपन माइंडेड। दूर फोटो मुंह तुम्हारा, तुम्हारी असलियत 5 मिनट में बोलती। तुम्हें वीजा लेना होता है ना इस्लामाबाद, ब्रिटेन का या फ्रांस का, जर्मनी के वीजे लेने होते हैं तो सर आपने... बोतल तक मांग लेते हैं यहाँ तो लोग, हम वैसी के लोगों से बेचारों से। अच्छा हाँ, उनको मिल जाती होगी शायद, उनके पास कार्ड होता है ना तो उनसे उनका कार्ड भी मांग लेते हैं, उनसे बोतल भी मांग लेते हैं, सर एक रेड वाइन दे दिएगा तो सर यहाँ तो वो बेचारे फंस जाते हैं आगे, कहाँ आ गए हम लोग। ये नहीं, मुल्क होना भी नहीं चाहिए था, ना हो सकेगा। आप देखिए जो मुल्क होना था वो 50वीं सालगिरह अपनी मना के इट इज एंजॉयिंग, उसने पाकिस्तान को एड की भी ऑफर की है, मालदीव्स और श्रीलंका को दिया। ये बदनसीब बंगाल, भूखा बंगाली कहते थे ना हम इन लोगों को, आज वो लानत दिखा रहे हैं हमें, चेहरे पे थूक रहे हैं हम पे कि तुमसे हो ही नहीं सका कुछ आज तक, पर एक दूसरे के ऊपर गए, छुरियां काट रहे, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सर कौन जिम्मेदार है ये सब कुछ जो पाकिस्तान के साथ हुआ? मैं तो वही कहूंगी कि शुरू से तो ऐसा नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ क्या सिर्फ सिर्फ डिक्टेटरशिप की वजह से? नहीं नहीं, आपके जब तक पंजाबी लोग और उर्दू जबान, ये दो का मिक्सचर जो है इट इज लाइक पॉइजन। शर्मिंदा लोग अपनी माजी जबान से और ऑफेंसिव लोग जो समझते हैं कि जिसको उर्दू नहीं आए वो इंसान ही नहीं है। आप 50s 50s में यू वर नॉट इवन बॉर्न देन, अगर आप देखते कि पश्तूनों के साथ कराची में कैसे बात करते थे लोग, यू विल बी शॉक कि हमें क्या बताया जाता था कि पश्तून कौन होते हैं। ये लेकिन सर अब तो पंजाबी ज्यादा मुझे तो पावरफुल लगते हैं। वो तो हमेशा से हैं, पंजाबी क्या करेगा, कुछ भी नहीं उसने करना। ही इज देयर जस्ट टू रूल एंड किल एंड बंगाली मारो बलोच मारो जिसको देखो उसको। मतलब आप यहाँ किसी से मिले कोई पंजाबी, इनके हो हमारे इवन मीडिया के भी समटाइम्स, तो उनसे बात करें, उन्हें पता भी है हमें पंजाबी नहीं आती फिर भी वो पंजाबी बोलते रहते। वो होती है मर्दानगी शो करना, माचोनिस। आप देखिएगा कि मिलिट्री ऑफिसर्स भी गाली पंजाबी एक्सेंट में देते हैं जरा वो करके, वो और बेगैरती है। वो ऐसा नहीं है कि बड़े इज्जतदार हैं, वो अपनी जबान को समझते हैं इस काबिल है कि इसके अंदर लोगों को टेररिज किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, यही है ना। मैं बच्चों से कहे ना पंजाबी बोले मुझसे, मां मर जाती उनकी कि ये क्या हुआ, इतने अच्छे स्कूल में भेजा बच्चा पंजाबी बोल रहा, उसको जाने दें। ये जायतुल पाकिस्तान है, इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बंगाल में कितने लोग मारे, किसको कौन थे जो रेप कर रहे थे? पंजाब के फौजी थे ना, कोई बलूचिस्तान या सूबे सरहद से तो नहीं गया हुआ था वहाँ, उनको ऑर्डर दिया हुआ था जनरल तिक्का खान ने कि चेंज द रेस इन वन जनरेशन। वही तो आज किसी ने लिखा भी था ट्विटर पे कि जिन्होंने कहा था कि जी इनकी रेस चेंज कर देंगे और इनकी जनरेशन चेंज कर देंगे, आज हम खुद कहाँ पर हैं, आज वो हमें देख रहे हैं कि हम उनके उनका जो टका है वो कहाँ है और हमारा जो रुपया है वो किधर है। लेकिन कोई तरीका तो होगा कि जिससे कि संभाला जा सके मुल्क को, कोई टुकड़े टुकड़े कर दें सब संभल जाएंगे। आपको क्या है, ये कहाँ से आ गया पाकिस्तान? सर पहले इतना सा है और कितने टुकड़े होंगे? नहीं नहीं, टुकड़ा क्या मतलब है, 250 मिलियन लोग हैं, फिजी भी मुल्क है, सब है। आपको किसने, हकीम ने कहा है क्या बलूचिस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए, सिंध पे बैठे हुए? ना आपको जबान आती, ना उनका कल्चर, ना उनके लोगों के बुजुर्गों के नाम आते, ना उनके शहरों का पता है आपको। आप जरा भर अपनी इज्जत बुल्ले शाह को नहीं करते तो शाह लतीफ को कैसे करेंगे आप इज्जत देंगे? पाकिस्तान का पोइट तो बुल्ले शाह होना चाहिए ना अगर पंजाबियों की मेजोरिटी, तो इकबाल कहां से आ गया? जो लोग इकबाल को नेशनल पोइट मानते हैं, ऐसा शायर जिसने अपनी शायरी चोरी की, तो कितना घटिया मुल्क होगा कि जिसके नेशनल पोइट ने अपनी पोइट्री को चोरी किया है। लोग दूसरे की नकल करते हैं, अपनी नकल कर रहा है।
पहले शिकवा कर रहा, फिर हवा किसकी, तो जवाब है शिकवा बताइए। नहीं कहा मैं मारना नहीं, मारना नहीं भैया, मैं आपका भाई बाप नौकर हूँ, मुझे नहीं कुछ कहना भाई, पंजाबी हूँ, अभी हथियार डाल दूंगा। अच्छा शिकवा जवाब है शिकवा, इस तरह से मैं, मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब हवा निकल गई, अभी शिकवा कर रहा साले, ऐसी चपत लगाएंगे ठीक कर देंगे, निकले जवाब ही शिकवा आ गया। ऐसे थोड़ी कि उसने बहुत फिलोसफिकली सोचा कि मैं पहले एक शिकवा लूंगा फिर जवाब। एक हमारे लेकिन सर वो तो पाकिस्तान बनने से पहले उनकी तो डेथ हो गई थी, तो कैसे हाँ। मतलब क्या मतलब, आप जरासीम डाल दे बाद में मरे आदमी तो बोले जरासीम ने नहीं मारे। आपने जाके इस्लामिज्म की बात की है, रैशनल पॉलिटिकल थॉट जो किताब लिखी है आपने, आपने हिंदुस्तान को बोला कि तू सबसे बड़ा है, और फिर आप ही ने गाना उसी का बनाया कि तेरी तो ऐसी तैसी कर देंगे हम। आप देखिए कितने हम लोग अक्सर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को ये नसीब हमारे खराब इसलिए कि हमारी औकात ही इस काबिल है। इंडियन उसका गाना गा रहे हैं सारे जहां से अच्छा, उन्हें नहीं पता कि ये पाकिस्तान का फाउंडर है, उगाए जा रहे हैं। कहते सोचा था उन्होंने। अच्छा उनके बेटे ने कहा था उनकी डेथ से पहले, जो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसी कोई बात की ही कोई नहीं थी, ना ही उन्होंने सोचा था, उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है वो अपने खुद के। देखिए आप किसी से कुछ भी पाकिस्तान में बुलवा सकते, पहले तो ये समझे दीज आर ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स होते ना जो प्री रिक्विजिट्स है, उसके बाद आप एनालिसिस करिए। एक्स और वाई की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली है कि चोर उचक्के, अब बाकी करिए बात कौन क्या कह रहा है। व्हेन यू कांट ट्रस्ट एनीवन हु सेड एनीथिंग, और आपका फाउंडर जो है उसने कुछ लिखा ही नहीं जिंदगी में, देखे ना अनक्रूमा ने भी लिखा, आपके नेल्सन मंडेला ने भी लिखा, आप बूमदीन की बात करिए, आप किसी की बात नहीं, उसने कुछ लिखा होगा अपनी जिंदगी पे, ये जिना साहब आप लीडर हैं, उन्होंने, हमने कुछ नहीं लिखा भाई, हम लिखते नहीं, हम बस सूट बड़े महंगे पहनते हैं, और देखिए मुसलमान कितने मुतासिर हो जाते हैं, अरे साहब जिना साहब का सूट देखिए, सूट देखिए, अरे आदमी कुछ तो लिखता है, कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई कुछ तो लिखो, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया अरे कुछ दो चार लफ्ज ही बोल दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई अरे कुछ तो बोलो, क्या तुम्हारी ओपिनियन है, जापान ठीक है, तुम नाट्सीज के साथ थे, तुम किसको कर रहे हो, सोवियत यूनियन क्या है, तुम्हें पता ही नहीं कि यूएसएसआर कोई मुल्क है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो उसको पाकिस्तानी जब कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा थिंकर ग्रेटेस्ट है, तो दैट मीन्स पाकिस्तानियों की अपनी औकात समझ लीजिए, पाकिस्तानी कौन, उर्दू बोलने वाले और पंजाबी मुसलमान, पठान वठान हमारे बलोच सिंधी को आप कहां मानते हैं इंसान। लेकिन सर ये एक एक सिर्फ एक आदमी को कह देना कि वो गलत था, उससे पूरा टीम टीम वर्क होता है ना, ये तो जो बोल के क्रिएशन हुई है, तो लियाकत अली खान चूड़ीदार पजामा हिंदू बीवी और अचकन पहन के और चश्मा लगा के आगे पाकिस्तान जो कभी देखा ही नहीं उन्होंने, वो तो शौकत अजीज भी नहीं आए थे, ब्रीफकेस लेकर आए थे, ब्रीफकेस लेके चले गए। शौकत अजीज तो पाकिस्तान बनने के बाद आपने किसी ने कहा ना कि भैया ये काम करना है, ये अलॉटमेंट है, ये करो, ये तो प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का एक आदमी जिसने पाकिस्तान देखा नहीं था, और सोहरावर्दी को कह दिया बाहर निकल जाओ कमरे से, लॉ मिनिस्टर भाग गया मीटिंग में से उठ के, जिना साहब गवर्नर जनरल होके प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए थे, अब प्राइम मिनिस्टर जो है कोने में बैठा हुआ था, माय बाप पानी वानी ले आऊं मैं आपके लिए कुछ, दिस इज हाउ द कैबिनेट सैट, द लॉ मिनिस्टर सॉट असाइलम इन इंडिया अंडर मिस्टर जिना, द प्राइम मिनिस्टर सैट एट द प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट मीटिंग एट द फुट ऑफ द टेबल, द गवर्नर जनरल हु हैड नो बिजनेस being in a cabinet was chairing the meeting. तो या तो मुल्क चलाने की काबिलियत या पता हो मुल्क होता क्या, बोलिए कि हम ट्राइबल लोग हैं, हमें मुल्क से क्या ताल्लुक, कोई भी चलाए हम तो किराए के टट्टू हैं, हम जो आता है तैमूर उसे कहते हैं दिल्ली दूरस्थ उधर चले जाओ, उसको मारपीट करके आओ, हमारे से लेना देना कुछ नहीं भैया, हम तो
हमारी दो चार बेटियां ये ले जाओ तुम। वो ले जाते हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब्दाली आया था दे गया, लाहौर को जला गया, अब हम अपने मिसाइल का नाम अब्दाली रखेंगे। बार बार एक ही बात करता हूं मैं कि यू नीड टू डिजर्व टू बी पीपल हु डिजर्व अ कंट्री, अदरवाइज रिमेन ट्राइब्स। अगर किसी ने इकोनॉमी पे काम किया होता तो आपको लगता है कि कुछ हालात बेहतर होते हैं? और दूसरा, अभी केपी इलेक्शंस में मौलाना फजलुर रहमान सीटें जीत गए और इमरान खान हार गए बुरी तरह से, जबकि उनका तो वो कहा जाता है गढ़ पीटीआई का, तो क्या कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप आते हुए, क्या मौलाना साहब दोबारा आ गए? देखिए, ये चॉइस नहीं होती है, ये आप यू आर जस्ट फेड अप विद द सिस्टम, वरना पीटीएम अगर एक्टिव होती, उसको इजाजत होती, तो वो नहीं जीतती वहां से, या एएनपी नहीं जीतती। ये तो आप जिसको समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं बोलो, वो ही आके पलट के ले गया आपको सब कुछ। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट गवर्नेंस। ये माने पहले बात कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है काफिरों को कत्ल करना, हिंदुओं और यहूदियों से नफरत करना। That is what drives the ordinary Pakistani, Punjabi and Urdu speaking guy. Koi aur usko zindagi mein chahat nahi. This is what they want, this is what they think they will get, and this is that they will never accomplish. लेकिन हमने तो अपने बचपन में ऐसा माहौल नहीं देखा, हमने तो नहीं सुना कि जो अब बातें करते हैं कि काफिरों को मार दें, ये हमने पहले तो नहीं सुना, नहीं तो अभी तो कुछ सालों से एकदम शुरू हुआ है ना, तो पाकिस्तान कैसे बन गया फिर? अगर आपने नहीं सुना तो बाजू काट दिए हिंदुस्तान के, बोले हमने सुना ही नहीं, एक आदमी के बाजू काट दिया आपने, ये क्या बात हुई? आपको दर्द नहीं हुई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर आपके सामने लोग मारे जा रहे थे कराची के अंदर से, कितने लाख हिंदू निकाले गए, इट वॉज अ हिंदू मेजोरिटी सिटी, पता ही नहीं चला आपको। सर अगेन, मुझे एक इंडियन ने कहा, इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने मुझे कहा कि पार्टीशन की रीजन ऐसे बताई उन्होंने कि जी वो हाथ क्या कहते ग्लास एक नहीं देते थे मुसलमानों को पीने के लिए, पानी चाहिए होता था तो ऊपर से पाइप से फेंकते थे, पता नहीं क्या करते थे, तो वो इस तरह की चीजें होकर जो है वो आपस में जो है वो थोड़ा लोग अलग अलग रहने लगे और अपने आप को समझने लगे कि शायद हमें जगह नहीं मिल रही। और ये एक इंडियन ने मुझे बताया, नॉट इंडियन, मुस्लिम। कौन पानी फेंकता था, किसके लिए? हिंदू, अगर किसी हिंदू से कोई मुसलमान पानी मांगे तो वो कह रहे थे कि वो अपने ग्लास में नहीं देते थे, वो पानी को फेंक के या किसी पाइप के जरिए देते थे कि वो टच ना करे। अच्छा, आपके घर जब पानी मांगने आते तो आप तांबे के ग्लास में क्यों देते हैं उसे अलग से? मैं तो शीशे के ग्लास में जिसमें मैं खुद पीती हूँ मैं उसी में देती हूँ सर, 100% मैं कह सकती हूँ, मैं सब बिल्कुल भी नहीं करती। आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, वरना हर घर में नौकर का ग्लास अलग होता है। अच्छा, जब मेरी मेड आई थी फर्स्ट टाइम तो जरूर उसने मुझे कहा था कि मैं ग्लास या मग अलग कर दूं, मैंने कहा नहीं मेरे घर में ऐसे नहीं होता, जिस बर्तन में मैं खाऊंगी उसी में, मैं तो नहीं करती। तुम्हें तो निकाल दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कहीं, ये इंडियन को बता देने की पानी फेंकते या बाकी क्या पेशाब करते थे मुंह में, क्या किया है, क्या बताऊं आपको मैं तारीख में क्या किया मुसलमानों ने, वो औरतों को रेप करते थे आके हिंदुओं की, तो यहाँ पानी की बात करने का आगे मुसलमान के, हमें पानी नहीं मिलता था इसीलिए हमने पाकिस्तान बना दिया, ऐसे छितर मारने चाहिए ना ऐसे लोगों को कि जाओ वापिस, सर पानी नहीं मिलता था हमें, यहाँ आके तुमने पानी रोक दिया पूरे बलोचिस्तान का सिंध का, इसको जाने दें, ये इसमें इन क्या तिलों में तेल नहीं है, खत्म। लेकिन सर बिल्कुल नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं, लेकिन लास्ट में मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या जो इमरान खान की स्टेटमेंट है कि हम कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो उससे हम डायलॉग कर पाएंगे और मोदी जी की गवर्नमेंट से हम डायलॉग नहीं कर सकते आरएसएस की वजह से? उनसे कहें भाई तू इंग्लैंड जा, कोई एक और शादी कर, पर्दे के पीछे किन चक्रों में पड़ा हुआ है सियासत के अंदर, दिस इज नॉट हिज गेम। कौन सी चौथी बीवी है ना ये, इसकी पांचवी कर ले, इस्लाम में तो अलाउड है। एक सर, दो, तीसरी है, तीसरी बताइए सर, बताई तीसरी है, तीसरी बताई है, अच्छा तो चौथी कर ले, वो तो लिखा हुआ है उसमें, एक दो तीन चार और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है, कुछ लेते हुए चला जाए यहाँ से इंग्लैंड वापस। हमें कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है,
अरे भाई तू किधर से आया था, तेरे लड़के कहाँ बैठे हुए हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इश्क किससे हुआ, उसकी बेटी से शादी करके आ गया, तू बेटे पैदा कर लिए, वो वहां बैठे हुए वेस्टर्न कल्चर में बैठा है बैठे। किस किस्म का आदमी, क्या उसकी औकात, क्या उसकी सियासत, कितना डफर आदमी। दुनिया में मशहूर है इन द डिम, वो पाकिस्तान के चहेतों में से। यहाँ हमारे कैनेडा में लोग मरे जा रहे हैं इमरान खान के लिए। हाय अल्लाह, इतना इतना उसको मौका नहीं देता कोई कुछ करने का। अरे मौका, अभी तो मौका मिल गया तो क्या मौका दिया तो है सर, कहाँ पहुंचा दिया है। और इतना लोन तो पहले की गवर्नमेंट से नहीं लिया था जितना ये ले चुके हैं, और हर जगह पे हम कटोरा लेके घूम रहे। अब और क्या उनसा मौका चाहिए। जिस दिन बांग्लादेश से ये भीख लेंगे, उस दिन मेरे जो मुझ में 50 साल से गुस्सा है कि इन्होंने जो रेप किया हमारे दोस्तों की बहनों से, और जिस तरह मारा है वहां जाके, और कैसे कराची यूनिवर्सिटी में लोग आके कहते थे अरे वहां तो छे आने में मिल जाती है लड़की। हाँ मैं वो चटगांग से साइड पे चले जाओ, नूह के चले जाते। द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड अबाउट बांग्लादेशीज वाज रिपग्नेंट, एंड ये आम थी, एंड उसका अल्लाह ऊपर से है, तभी ये हशर हो रहा पाकिस्तान का। मेरा यकीन पुख्ता हो जाता है कभी मुसलमान होते कि ठीक पिटाई हो रही पाकिस्तान। देखे सर क्या होता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, और आपका टाइम निकाला। अपना खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। थैंक यू।